उत्तप्त इस तिलहर विधानसभा के बुरहानपुर गांव में। यहां की पंचायत लगाकर हम जानेंगे, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूरी जानने की ये कोशिश करेंगे कि कैसा विधायकों का कार्यकाल पीछे का रहा है। आगामी अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो कैसा विधायक चुनते हैं, साथ ही अगर बात कर ली जाए सत्ता परिवर्तन की तो क्या वास्तव में सत्ता परिवर्तन उनके लिए मायने रखता है या नहीं मायने रखता है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के साथ आज हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं यहाँ के, उनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे इस बार कि क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्षेत्र में विकास हुआ, क्या शिक्षा का विकास हुआ, क्या स्वास्थ्य सेवाएं थी, क्या बच्चों के लिए सुविधाएं थी, क्या ग्रामीण को साफ सफाई व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो सकी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर खान जी। कदीर जी ये बताइए, इस बार क्या विकास विकास गाँव गाँव में ठीक हुआ है? बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुई वो विकास, तो क्षेत्र में बहुत बढ़िया हुई वो है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, जुबान से कुछ और बयां कर रहे हैं दिल से कुछ और? गायन ने सब चौपटाई कर दो जी, बिल्कुल बहुत फाड़न ने गायन ने सब फसल खाई ले। अच्छा तो क्या चाहते हैं, कोई गौशाला वगैरह नहीं है यहाँ? अब वही कहूँ वही, हमें पता नहीं कहाँ है। विधायक जी की भूमिका अगर पूछे तो विधायक जी का क्या कार्यकाल यहाँ रहा, कैसा गया? अब विधायक जी को तो हमने देखो नहीं भैया, विधायक जी बाबा बोल रहे हैं पीछे से, बिल्कुल जाने की पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे इस बार। बताइए क्या विधायक नहीं कब देखो आए, आज 5 साल 15 10 साल हुई गई, कैसा क्या चाहते हैं? अब चाहत का वही से थोड़े ही चाहते हैं। विधायक जी वही बन रहे हैं आपके समाजवादी पार्टी से, बताए आपको है? क्या कहेंगे अब भाई, समाजवादी परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदल रहे हैं, ये बताइए सरकार बदल रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं? सरकार का भैया यहाँ मालूम एक गांव पर या 4 लोग थोड़ी बदल जाए। नहीं आप बताइए, आप बदल इस बार सरकार बदलनी चाहिए हाँ या ना? अरे सरकार बदलना तो मतलब बताइए, दिल खोल के बताइए, शर्माइए नहीं, बोलिए थोड़े। अरे एक वोट से ही हार जीत होती है, बताइए। अब विधायक बारे बूझी वह बताई देगी ना ही यहाँ कुछ। अच्छा सरकार के बारे में बताइए, सरकार बदलनी चाहिए या वही रहनी चाहिए, सरकार बारे बताओ। सरकार मान लो कुल मिलाएगी जो है ठीक, कुल मिला के अपने विचार जो है व्यक्त करना नहीं चाहते। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के काफी लोग हैं, उनसे जाने भैया ग्रामीण क्षेत्र है, फसल को लेकर, फसल की बर्बादी को लेकर कुछ दादा पीछे जैसा कि कह रहे थे, इस बार क्या चाहते हैं? सब सही है, मालूम ठीक है, चाहते हैं तो वो विधायक आप करवाए। दादा एक बात बताइए, लगभग 15 वर्ष यहाँ के विधायक रहे बीजेपी पार्टी से, कहीं बसपा में फिर बीजेपी में, इस बार रोशन लाल जी की अगर बात कर ले तो सपा में है ठीक है, तो क्या उम्मीदें लगा के बैठे इस बार? अगर ये चाहिए सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए। विधायक जी आए यहाँ? नहीं आए। तो क्या चाहते हैं आपकी, किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की जी। तो 15 साल में तो विधायक कभी आए नहीं, इस बार उम्मीद है कुछ आने की? हाँ उम्मीद है आने की, उम्मीद है आने की। और भी लोग जानने की कोशिश करेंगे, भैया हमारे पीछे है बहुत ही, बोलने के लिए कुछ चाहते हैं, बिल्कुल भैया। क्या नाम है भैया? ट्रेपली खान जी। ये बताइए भैया इस बार क्या विकास हुआ गांव में, कुछ विकास हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए? पक्का 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 पक्का। साइकिल लाएंगे? पक्का। कांग्रेस को? कांग्रेस नहीं, खाली बीजेपी। साइकिल साइकिल बीजेपी। साइकिल 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 साइकिल। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है गाँव में? शिक्षा है, कुछ स्कूल स्कूल है कि नहीं? स्कूल है। तो नान जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं पीछे दादा बैठे हैं, इनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार ये बताइए स्वास्थ्य सेवाएं, क्या अस्पताल वगैरह है गाँव में? नहीं अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है? तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं विधायक जी से, अस्पताल अस्पताल होना चाहिए? विधायक जी ने हमारे काम करो हो या न करो, मगर अब की विधायक जी जब आए हैं तो हम विधायक जी का वोट दी और समाजवादी नहीं है। पक्का पक्का। और कोई पार्टी नहीं? नहीं पार्टी, और कामयाबी नहीं है? नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस हमने कामयाब है। बहन जी? बहन जी तो कतई पीछे है। अच्छा। बीजेपी? बीजेपी दूसरे नंबर पे। बीजेपी दूसरे नंबर पे? पक्का बता दिए? हाँ पक्का 100% कतई। भैया बैठे, भैया बताइए किसकी सरकार? साइकिल की। साइकिल की क्यों, ऐसा क्या है साइकिल में? अरे साइकिल में ऐसा है, ये बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा क्या कर रही थी, हिंदू मुस्लिम बहुत किया। अच्छा। सबसे ज्यादा? पक्का पक्का। और ये इसमें मतलब पैसा भी सबको मिला, गल्ला भी सबको मिला, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की, इसी वजह से हर आदमी परेशान है उस सरकार से। कुछ कहना चाहेंगे जी दादा, बताएं क्या विकास चाहते हैं गांव में? पर गांव विकास जो होना चाहिए होते नहीं तो चाह रहे हो? रोड रोड बने बढ़िया सही। अब विधायक की अच्छा बात करें, अच्छा आप तो बहुत, आपको पता है विधायक 15 साल में कितनी बार आए यहाँ?
ये को बार नहीं आए तो का उम्मीद करी जाए सकत उम्मीद का उनके सपा माई के है साइकिल वाले भैया जी तो बीजेपी में रहे तब तो ना आए 15 साल अब सपा माई के तो का पक्का आए जाई अब देखो भाई क्या मई अब देखो तो उम्मीद लगाए अब कहा मालूम भैया भैया जैसा कि सभी लोगों को कहना है खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कैमरे को फेस नहीं करना चाहते और भैया हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी जानने की कोशिश करें क्या नाम है बड़े भाई जी बच्चन खान बच्चन भाई बताइए कैसा विकास चाहते हैं विकास क्या चाहते हैं देखिए इधर लगातार 2 बार 3 बार विधायक रोशनलाल हो चुके हैं लेकिन वो कभी भी इस मतलब क्षेत्र में बात कर ली जाए अगर हमारे निगोही ब्लॉक में 77 ग्राम पंचायत है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और यहाँ फिलहाल अपनी ग्राम पंचायत बुरहानपुर के तरफ है या पड़ोसी में बरैचा है बिरहाना है हथगांव है विक्रमपुर है मतलब यहाँ कुल मिला के वो 5 साल में अगर आए होंगे तो 2 बार या 3 बार और मेरे बुरहानपुर में 5 साल हो गए कभी बार झांकने नहीं आए बोर्ड के नाम पे आ जाते हैं तो मलाल नहीं होता 5 साल में अगर एक बार मिले ही नहीं क्षेत्र में अभी नहीं मिले कभी मिले तो वोट मांगने आए नहीं अभी भी नहीं आए क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बार ऐसा है हम लोग मालूम क्या करेंगे जैसे देखिए हम लोग साइकिल में ही मतलब ज्यादातर वोट डालते हैं ठीक है प्रत्याशी मायने नहीं है प्रत्याशी मायने नहीं हम लोग अखिलेश यादव को देखते हैं दीवाने हैं सरकार में रोजगार मिला मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं उन्हें रोजगार मिला रोजगार तो भैया कांग्रेस भी करवा रहे नहीं कांग्रेस नहीं कांग्रेस आ नहीं रही है क्या करें हम हमारा ये मजबूरी है अखिलेश ही आ सकती है अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस विकास करवा दे वो भी बढ़िया क्या करेंगे मतलब हमारे गांव से कांग्रेस नहीं जीत सकती ना क्यों नहीं जीत सकती नहीं जीत सकते लोग सहयोग करेंगे तो वजह है क्योंकि लहर चल रही है ना हर चीज की बीजेपी और अखिलेश की सलोना के बारे में कुछ नहीं जानते जे तो हम कह रहे हैं जब आई नहीं भाई जनी काम नहीं तो आना चाहिए ना जनता के बीच में आना चाहिए ही चाहिए बिल्कुल चाहिए और हलचल लेने चाहिए कहता ही भाई बगैर हलचल भाई कहो किससे जी भाई हलचल जो ले ले वो वोट इसी का है अब जो काम अच्छों के लिए वोट उसके आई है पक्का पक्का है हालचाल आप कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि हालचाल जो हमारे ले लेगा वोट आपका उसको आपको है ही फिर सके तो किसी पार्टी को अरे वो किसा पार्टी पक्का आइए ना भाई अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो गरीब हैं आखिर क्या आस लगा के बैठे हैं सत्ता परिवर्तन को लेकर यहाँ की जो आप दशा देख सकते हैं गाँव ग्राम ये वही ग्राम बुरहानपुर यहाँ की जो एक बुजुर्ग दादी जी है उनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानियाँ हैं दादी क्यों परेशान हो परेशान का भी मजबूरी हमारे त्रिपात पड़ ले पैसे पैसे का ना घर बात ही परेशानी है अच्छा कहाँ चाहती हो चाहत का हम जगह जब बने अच्छा और क्या चाहते जाए चाहते ही हमारी जगह का बने रहना हमारा नाम राम अवतार है राम अवतार दादा ये बताइए आपकी किसकी सरकार अब किसकी सरकार क्या सरकार बदलनी चाहिए बदल रही तो हमारा चाहो सरकार बदल रही पक्का काहे चाहते हैं ये बता दो काहे चाहते हैं सरकार बदल जाए अरे हम चाहते का हमें आराम मिले भैया हमारे जगह तो सरकार में सरकार हमको दुखी है का क्या दुखी ना ये है इन सबको आप तो अब दुखी रहे तो फिर सरकार का है बदली जाए चाहते का हो ये बता दो दरबाव नहीं बता दो देखो हम जा चाहते भैया ना हमें काम उम मिले हमारो मकान बने मकान बन जाए तो सही सही है हम मकान ना बने तो बहुत खराब ना सही सही कहने का मतलब है कि विकास होना चाहिए जो आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अगर रख लिया जाए तो उनका भी समाधान होना चाहिए भैया क्या नाम है वाना पोथीराम पोथीराम भैया क्या समस्या है समस्या यह है जी कि जगह बननी चाहिए विकास मिलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और क्या चाहिए है अरे सरकार बच्चन को जो है रोटी कपड़ा और मकान सब चीज चाहिए है नहीं का नहीं है क्या चाहते हैं है? हमें चाहिए जगह चाहिए विकास चाहिए अच्छा एक बात बता दो जब बीमार हो जाते हो बच्चे बीमार हो जाते हो तो कहाँ दौड़ते हो है? भाजत कोई गांव में अस्पताल नहीं है का नहीं शिक्षा बच्चे अच्छे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं हाँ जाते हैं हाँ? मास्टर टाइम से आते हैं हाँ आ जाते हैं हाँ टाइम से हुआ ठंड ना हुआ टाइम अच्छा सुविधाएं सब चाहते हो हाँ सब सुविधाएं सब चाहते हो ये बता दो फिर सरकार किसकी है आपकी सरकार किसकी हाँ? अब सरकार जिसकी बता दो उसे हमसा भाई जो इससे फायदा उठाओ थे उठाओ मर उन्होंने विकास करो अच्छा हाँ खेत के बारे में क्या कहोगे है खेत के बारे में खेती बारे में जानवर खुले घूम रहे हैं परेशान तो नहीं हो परेशान नहीं गेहूँ सब चल रहा था परेशान नहीं बिल्कुल बिल्कुल परेशान तो क्या कोई गौशाला नहीं है क्या गाँव में नहीं है तो चाहते हैं गौशाला बन जाए हाँ गौशाला बनाए हम चाहते हम जगह दे मोदी हाँ पक्का पक्का कहिया चाहे सब खेत चल जाए हमें खाए जाए अच्छा हाँ परेशानी कितनी भी वोट कितो परेशानी हुई वोट मोदी के दी भैया जो कुछ घर में खाना ना हो वोट मोदी के दी बच्चे भूखे प्यासे घूमे वोट कुछ हो मोदी के दी
घर में खाना ना मिले वोट मोदी के दिन। अस्पताल गांव में ना वोट मोदी के दिन। अच्छा रोड खराब पड़े रहे वोट मोदी के दिन। पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाए वोट। अरे जितो हिंदू है वो मोदी के दे। कहने का मतलब है परेशानी कोई भी हो ये मोदी भक्त भी है कि कहने का मतलब है मोदी को वोट ज्यादा मिले। कुल मिला के कहने का मतलब है कि कुछ भी हो तो वोट इस बार क्या और भी है दादा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी। बताइए बताइए ठीक है कुल मिला के यहाँ के जो परिवर्तन की बात कर ली जाए। बिल्कुल दादा बताइए क्या चाहते हैं। ये बता रहे नमक किस क्या अखिलेश बाबू ने नमक दिया खाने के लिए गल्ला नहीं दिया क्या या विकास नहीं दिया क्या। मैं यादव जी बोल रहा हूँ सरकार बदलना बदलेगी बदलाव आएगा पक्का। अखिलेश जी की सरकार बनना चाहिए सत्ता में सरकार अखिलेश की होगी सरकार अखिलेश की होगी। मैं यादव जी बोल रहा हूँ कटरी के। ऐसा ही जुनून अगर बना रहा तो पक्का कुछ ना कुछ तो होना ही है। सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इन्हीं लोगों का कहना है कुछ परेशानियां हैं जो आर्थिक रहती हैं इन सभी बातों पे और चर्चा करने के लिए जो विकास कार्य पक्का भैया की सरकार लाएंगे इन सभी बातों के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ आपके साथ में तबरेज आलम शाहजहांपुर।